प्रोटो फिक्स का जो अभी मैंने मैंने उसको बनाया है वो हमने रिटर्न बताया कि आई थिंक जो रिटर्न जो जनरेटेड का जो पोस्ट है और उसका जो काम होता है वो मैं आप बता रहा हूँ कि अगर मैं चुना जा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसको मैं बखूबी अच्छे से करूँ और वैसे भी हम लोग कोई हायर पोस्ट पर बिना रहे कि हम लोग काम करते आए हैं मीडिया को प्रेस मीट करते आए हैं और टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने हमेशा जो है हमने कोशिश किया जैसे 2019 बीच हो तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने काफ़ी बार मीडिया को भी लेके जाना वहाँ पर और इसके अलावा हमारा जो भी काम होगा प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए जो भी टूर चाहते हैं तो उनके साथ उनको कॉपरेट किया जाएगा और उनके निगरानी में ही हम काम करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे एसोसिएशन में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम्युनिटी बहुत जरूरी है और जितने नए मेंबर जुड़ेंगे और भी अच्छी बात है लेकिन जितने मेंबर्स हैं उसमें यूनिटी होना बहुत जरूरी है ताकि एसोसिएशन आगे बहुत अच्छा काम करे और नंबर वन एसोसिएशन हो अंडमान में और काफ़ी वैसे हमारे एसोसिएशन के मेंबर काफ़ी अच्छे हैं और जितने भी ऑफिशियल जो वर्क होगा चंद्रा डिग्री में वो हम प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जो है हम काम करेंगे और इससे ज्यादा हम बोलने की जरूरत नहीं काम करके दिखाना है दैट इज वो हम प्रूव करेंगे। थैंक यू धन्यवाद श्री सिंसन और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे पास नॉमिनेशन आया श्री पी के अब्दुल गफूर और निशा की तरफ से और प्रेसिडेंट के लिए एक सिंगल नॉमिनी है। अब इलेक्शन का जो इसको प्रेजेंट करे मेंबर्स को पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री अरिंदम बैनर्जी को जो कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए पहला नॉमिनेशन मेरे प्यारे भाई बहनों और अनुभव परिवार के सभी सदस्य मैं यही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन आज हम लोग एक रखे हैं और उसमें प्रेसिडेंट ताकि अनुभव का जो ब्रांड है वो हर एक जगह पे फोकस हो आगे सभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेके जितने भी बड़े टॉप वो लोग भी अंडमान का बारे में हमारा अनुभव का ब्रांड के बारे में जाने और यहाँ बात मैनिफेस्टो का मैं कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पे देखिए ये कंटेस्ट तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है ये करना जरूरी है चाहे कोई भी आए या मैं आए संजय भाई आए कोई भी आए ये हमारा जिम्मेदारी होगा कि हम इसको कैसे ये सब थोड़ा मोड़ा जो पॉइंट्स है हमारा मेन जो मुद्दा है उसको कैसे हम लोग आगे लेके जाएं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू मेक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद ऑल अनुभव फैमिली मेंबर्स। एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं होगा तो हम लोग कितना भी आगे जाए बहुत सारा खामियां रह जाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ ये मेन चीज़ है। सेकेंड है टू मेक कनेक्शन विद ऑल मेजर सिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी मेजर सिटीज है जहाँ से टूरिज्म अंडमान के लिए ज़्यादा एक्टिव है उन लोग को थोड़ा फोकस करें और वहाँ पे कैसा हम लोग अपना ब्रांड को शो करें कैसा हम लोग कोऑर्डिनेशन करें वहाँ का रोड शो बोलिए उन लोग को अंडमान लेके कैसा हम लोग कुछ नया कुछ प्रोग्राम करें इसके बारे में हम लोग काम करने का चाहेंगे। टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद ऑल मेजर एसोसिएशन ऑफ अंडमान जितने भी अंडमान का अदर्स एसोसिएशन है जितने भी स्टेक होल्डर्स है सभी के साथ हम लोग एक जॉइंट वेंचर्स करके कुछ ना कुछ नया हम लोग अचीवमेंट करने का ट्राई करेंगे ताकि ये जो है एक छत के नीचे कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग सब उसका फेस करें। अगर ये होगा तभी हम लोग अंडमान का टूरिज्म को एक नया लेवल तक ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज अलग 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 करके मुद्दाबाजी करके तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारा मेन वही अचीवमेंट करने का ट्राई रहेगा। चौथा पॉइंट है टू एनकरेज द यूथ फॉर अंडमान टूरिज्म और जितना भी अदर स्टेट्स का टूरिज्म जितना भी यूथ है वो लोग आज का टाइम में जो है वो लोग उतर तो जाते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद हम लोग निराशी करके लॉस करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये चीज जो है जैसा होटेलियर्स हो गया या आदर्श कुमार सकते हैं ये भी खाली है मैं दिखा देता हूँ दिखा दूँ
पहले हम प्रेसिडेंट थे उसके लिए इलेक्शन विकास साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर मेरा हमारे जो एसोसिएशन का बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कार्य करूंगा। गाड़ी गाड़ी है। मैं इस एसोसिएशन के सभी सदस्यों के साथ अपना सभी कार्य पारदर्शिता से साथ मैं करूंगा। इस एसोसिएशन के लिए मेरा सपना है कि ज्यादा से ज्यादा अधिक सदस्य का ताकत करने का प्रयास करूंगा और इस एसोसिएशन के सभी सदस्य को मैं कोशिश करूंगा जितने भी अंडमान निकोबार और प्रशासन में जो भी विभाग है उसमें जैसे भी टूरिज्म पर्यटन विभाग में जैसा एनलिस्टेड के लिए मैं इसको प्रयास करूंगा और जीएसटी के सभी को मदद करूंगा और इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मदद करूंगा। ये सभी के लिए मैं काम करूंगा। मैं सभी सदस्य हमारे नेटो परिवार का उनका बिजनेस के लिए उनका विजन मार्केटिंग विचार के लिए मैं हमेशा समर्थन दूंगा। मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे नेतृत्व में ये एसोसिएशन सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेला और कार्यक्रम आदि में हमारी एसोसिएशन को ब्रांडिंग बनाने में मैं पूरा कोशिश करूंगा। हम नए विचारों के साथ अंडमान निकोबार प्रशासन पर्यटन विभाग साथ मिलकर संयुक्त रूप में काम करूंगा। सभी को नमस्कार। हम लोग यहाँ पर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का आज जनरल बॉडी मीटिंग था और उसके साथ में उनका इलेक्शन भी आज हुआ थर्ड टर्म का, और इसमें सिम्पसन सर जो है प्रेसिडेंट बने, अब्दुल गफूर के जनरल सेक्रेटरी और जय मैडम के ट्रेजरर बने। तो सर बताइए कि आपका क्या मैनिफेस्टो था, आप किस तरह का इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, टूरिज्म के ऊपर में डेवलपमेंट का बात करेंगे। सबसे पहले मैं न्यूज़ आप तक को और बाकी मीडिया कर्मियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोग आए इस जो हमारा जो एनुअल फिफ्थ एनुअल मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग था उसमें हमारा इलेक्शन प्रोसेस था। तो इलेक्शन में हमने पूरा लोकतांत्रिक तरीक़े से हमने आज इलेक्शन यहाँ पर फिर एंड फेयर कराया गया रिटर्निंग ऑफिसर के थ्रू। तो मैं सभी को ये मीडिया कर्मी को दोबारा मैं आप लोग कवरेज करने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो एसोसिएशन जो है अभी ये तीसरा टाइम है प्रेसिडेंट का, 2017 में बना है, हम हमें से डेमोक्रेटिक वे में जा रहे हैं। आगे हमारे को दो ईयर का टर्म्स हमको मिला है 2024 से 2026, इसमें बखूबी ईमानदारी से सभी पूरे एंटो का मेंबर सभी एक परिवार जैसा मैं इन सभी को लेके जाऊंगा, काम करूंगा और अंडमान निकोबार टूरिज्म में डेवलपमेंट करने के लिए हमारा एसोसिएशन का जितना सहयोग
प्रयास करके हम काम करेंगे। एक ब्रांड अंडमान बनाने के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा टीम जैसा भी जनरल सेक्रेटरी हमारे कपूर भाई है और जो ट्रेसरर जया मैडम है, सभी हम लोग मिलकर एसोसिएशन का पहले हम लोग स्ट्रांग करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे, टूरिज्म का हर एक चीज़ के लिए हम लोग काम करेंगे। और सबसे बड़ा वेलफेयर हमारे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर में हमारे जो जितने भी हमारे ड्राइवर्स है, टूरिस्ट गाइड है और जो हमारे जो जितने भी हमारे होटल लाइन में कोई भी तरह का वेलफेयर होंगे हम उनकी मदद सहायता करेंगे। बहुत सारे हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम टूरिज्म को डेवलपमेंट के स्कोप में आने वाले जो दिन में आइलैंड में जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसको नेशनल लेवल में लेके या मिनिस्ट्री में अगर बात करके मिनिस्ट्री लेवल में भी प्रयास कर कोशिश करके अंडमान निकोबार में एक अच्छा बढ़िया ब्रांड टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आने वाले टाइम उम्मीद है कि हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री अंडमान का बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आज न्यू जनरेशन का टाइम में डिजिटल दुनिया बन गया। हम ईजिली आज टूरिस्ट को हम अंडमान निकोबार आइलैंड में मंगा सकते हैं। उस तरह हम लोग डिजिटल वे में काम कर रहे हैं। पहले हम लोग ऑफलाइन में करना पड़ता, आज ऑनलाइन इतना फास्ट हो गया नेटवर्क वगैरह, तो हम एक आइलैंड से एक आइलैंड ईजिली कनेक्ट करते हैं। तो टूरिज्म को हमको लग रहा है कि डेवलपमेंट में बहुत सारा प्रमोशन हम लोग को मिलने वाला है। नए नए डेस्टिनेशन यहाँ पर ओपन करने के लिए हमारा एसोसिएशन पूरा प्रयास करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को साथ सहयोग साथ देगा और अच्छे काम करेगा आने वाले दिन में। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम लोग एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन करके हमारे पूरे टीम मेरे साथ सहयोग किया और जितने भी टीम मेंबर को भी मैं धन्यवाद करता। आज इलेक्शन में आकर वोटिंग करके अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर को इलेक्ट किया और ये बताना चाहते कि न्यू यूथ जनरेशन को कि टूरिज़्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अंडमान में। जितने भी पढ़े लिखे युवा साथी लोग हैं उन लोग टूरिज़्म से जुड़िए, हम लोग से जो भी सहयोग और जो भी सहायता चाहिए हम लोग कर सकते हैं। हम एक अच्छा रास्ता में टूरिज्म इंडस्ट्री लेके जाएंगे। बहुत सारा स्कोप है आइलैंड में जॉब क्रिएशन के लिए, नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आया है। ये सभी बातों को मैं आप सभी मीडिया कर्मी की तरफ से अब ये मैं दीपवासियों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई तरह का टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको कोई तरह का सुझाव या तकलीफ होता है हमसे संपर्क करें। हम एडमिनिस्ट्रेशन का अपना बात रख के ये सक्सेस करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप हम हमारे कवरेज करने के लिए। तो उनका व्यू पॉइंट में किस तरह का डेवलपमेंट का आगे का काम करें बताइए सर, किस तरह का आपका प्लान? थैंक यू सो मच आप लोग आए सर। सबसे पहले तो अभी मोस्टली जितना भी बातें थी हमारे सैमसन जी प्रेसिडेंट सर ने बता दिया है। उसके अलावा जैसे वही मैं कहूँगा कि सबको साथ लेके चलना है और हमारे एसोसिएशन के जितने भी मेम्बर्स हैं सबके साथ प्यार मोहब्बत से और आगे जो डेवलपमेंट की जो है जैसे TTF हो गया, IITM हो गया, जितने भी टूरिज्म वेलफेयर जो फेयर्स हैं वो अटेंड करें हमारे एसोसिएशन के मेम्बर्स और जितना बिजनेस ग्रो अप कर सके वो करें और इक्वली सब साथ मिलकर आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ जैसे सर ने कहा कि जितने बहुत सारे बीचेस ऐसे हैं जो ओपन नहीं है जिसको ओपन करना चाहिए, जहाँ पे अभी आए दिन क्रोकोडाइल्स की बातें आ रही है, बहुत सारे बीचेस पे उतरना मना है। तो वैसे सबसे सेफेस्ट Solvay 19 अभी सेफेस्ट जहाँ पे स्विमिंग अलाउड है तो उसके लिए भी हमने किया था। ऐसे काफ़ी सारे और भी वर्जिन बीचेस हैं जहाँ पे ओपन करना चाहिए, तो हम आगे इस विषय पे काम करेंगे और हायर अथॉरिटी के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में बात करके इसको हम लोग डायरेक्ट हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं संजय जी उनके साथ में मिल करके हम आगे काम करेंगे और जितने हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ मिल करके हम काम करेंगे सर। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।